दिल्ली शराब घोटाला मामले में किंग पिन अरविंद केजरीवाल विभागों के बजट में भी बड़ा गोलमाल किया करते थे। किसी विभाग का फंड किसी दूसरे विभाग में डाइवर्ट करने का खेल केजरीवाल ने 9 साल में जमकर किया। अरविंद केजरीवाल की इन कारगुजारियों पर से पर्दा उन्हीं की सरकार के एक मंत्री ने उठा दिया। असल में समाज कल्याण मंत्री पद से इस्तीफा देने के करीब एक महीने बाद राजकुमार आनंद एलजी विनय कुमार सक्सेना से मिले। उन्होंने कहा कि एलजी से उनकी मुलाकात का मकसद अपने इस्तीफे के स्टेटस के बारे में जानना था, क्योंकि सीएम जेल में हैं इसलिए उनका इस्तीफा अब तक स्वीकार नहीं किया गया है, इसलिए तकनीकी रूप से वे अभी भी मंत्री हैं। राजकुमार आनंद ने एलजी से मुलाकात करने के दौरान अनुरोध किया कि दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन किसी दलित महिला को बनाया जाए। ऐसा करने से दलित और वंचित महिलाएं अपनी बातें खुलकर रख सकेंगी। दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया कि SC/ST कल्याण निधि का पूरा पैसा सरकार खर्च ही नहीं कर सकती, क्योंकि इस विभाग को जितना बजट अलॉट किया जाता है उसका करोड़ों रुपया दूसरे विभागों को डाइवर्ट कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल में विभाग के हजारों करोड़ रुपए दूसरे विभागों को दिल्ली सरकार ने डाइवर्ट कर दिए। सरकार में दलितों के मुद्दे को हर स्तर पर नजरअंदाज किया जाता है, इसी वजह से मैंने पद से इस्तीफा दे दिया। मंत्री पद पर रहते हुए भी मैंने दलित समाज के मसलों का समाधान नहीं कर पाया। उन्होंने कहा कि महिला आयोग में दलित महिला का होना जरूरी है। अगर दलित महिला आयोग की अध्यक्ष होगी तो समाज की पीड़ित महिलाओं का दर्द ठीक से समझ सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसी पार्टी या किसी पार्टी के उम्मीदवार की तरफ नहीं जा रहा हूं और ना ही BJP ज्वाइन कर रहा हूं। मैं आम आदमी पार्टी में इसलिए आया था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। उन्होंने आगे कहा कि कंसल्टेंट एक्सपर्ट और फेलोशिप के रूप में हजारों नियुक्तियां की गई, लेकिन एक में भी रिजर्वेशन नियमों के अनुसार इन भर्तियों में ST को 7.5%, SC को 15%, OBC को 27% आरक्षण मिलना चाहिए था। सफाई कर्मचारी रेगुलराइजेशन नियमों का भी दिल्ली सरकार में पालन नहीं किया गया। वहीं NDMC में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति इन नियमों के तहत की गई। उन्होंने कहा कि सीएम से उन्होंने दलितों को बोधगया, बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मभूमि और चैत्य भूमि तीर्थ यात्रा पर भेजने का भी अनुरोध किया था, लेकिन इस मामले में भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। वेस्ट दिल्ली के पटेल नगर एरिया में दशकों से पानी की किल्लत है और इस समस्या का समाधान करने के लिए सीएम से अनुरोध किया था, लेकिन समस्या का कोई हल नहीं निकला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।